मॉम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टैको। आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन मैंने गर्म होने के लिए दे दी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। इसे थोड़ा चटकने देते हैं। उसके बाद इसमें हम सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में मैंने लिया है, ये मैंने 2 प्याज ले लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च ले लिया है इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, 2 टमाटर ले लिया है इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम पैन में प्याज डालेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद के ले सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो आप वो सब्जियां ले सकते हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा, इस तरीके से हम इसे भूनते हुए थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें टमाटर डालेंगे, इसे डाल के भी थोड़ा हम भून लेते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं, इसे भी डाल के हम थोड़ा भून लेंगे। इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे भून लेना है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि प्याज टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सॉसेज में भी नमक रहती है। इसे डाल के हम थोड़ा इस तरीके से मिला देंगे और इसे 2 मिनट के लिए बस कवर कर देते हैं। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए प्याज टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। ये मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, इसको मैंने क्रश करके ले लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसे भी हम मिला लेंगे। हमें इस तरीके से मिलाते हुए इसे टमाटर प्याज और शिमला मिर्च में मिक्स कर देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सब्जियों में मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ऑर्गेनो, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसे डाल के मिक्स कर लें। ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डालने से इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। इसे डाल के इस तरीके से मिक्स कर ले। सब्जियां हमारी भुन चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। ये मैंने बाउल में डाल लिया है। अब हम रोटी ले लेंगे। ये मैंने 5 रोटी ले ली है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून मेयोनीज डालेंगे। इसे डाल के मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी आप टमाटो केचप और मेयोनीज को मिक्स करके आप रोटी पे स्प्रेड करें, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। इस तरीके से आप मिक्स करते जाएं। अब हमने जो रोटी ली हुई थी उस पे हम ये मिक्सचर को डाल देंगे। इस तरीके से हम रोटी पे स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से हमें स्प्रेड कर देना है।
उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था उसे डाल देंगे। हमें दोनों साइड में नहीं डालना, बस एक साइड में ही इसे डाल देना है। इस तरीके से हमें डालते हुए इसे फैला देना है। अब हम चीज डालेंगे। ये मैंने मोजरेला चीज लिया हुआ है, आप चाहे तो स्लाइस वाले भी चीज डाल सकते हैं। इसे डाल के अब हम इस तरीके से फैला देंगे। उसके बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। ये तवे पे जाने के बाद अपने आप चिपक जाएगी। इसी तरीके से हम सारे रोटी में मेयोनीज डाल करके इसे हम स्प्रेड कर लेंगे उसी तरीके से। ये देखिए, ये मैंने पांचों रोटी पे मिक्सचर डाल के तैयार कर लिया है। अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए दे दी है। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने जो रोटी पे मिक्सचर डाल के तैयार किया हुआ था उसे डाल देंगे। इस तरीके से हमें डालते हुए इसे थोड़ा सेक लेना है। रोटी अपने आप चिपक जाएगी क्योंकि हमने इसमें चीज डाली हुई है। इस तरीके से हमें सेकते जाना है। अब इसे पलट लेंगे। इस तरीके से हमें इसे पलट लेनी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। ये आप बच्चों को एक बार जरूर बना के ट्राई करें। रोटी हमारी सिक चुकी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये सिक गई है। दूसरी रोटी भी हम उसी तरीके से सेक लेंगे। हाफ टेबल स्पून देसी घी फिर से डालेंगे। ये बहुत ही कम घी में बन जाती है। इसे मेल्ट होने देते हैं। फिर से हम रोटी को डाल देंगे इस तरीके से सेकने के लिए। ये देखिए इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये सिक रही है। आप गैस के फ्लेम को लो मीडियम पे रखें। दूसरी रोटी भी हमारी सिक चुकी है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम सारी रोटी को सेक के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पांचों रोटी सेक के तैयार कर ली है। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस पे। ये हमारी पनीर टैको हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं। आप इसको बच्चों के टिफिन में बनाकर दें, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। जो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं वो इसे बिल्कुल उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। ये आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।